लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। इसराइल के रक्षा मंत्री का दावा, हमने बना ली है कोरोना की एंटीबॉडी। WHO ने अमेरिका के वुहान लैब से महामारी फैलने के नहीं दिए सबूत। चीन में नहीं थमा कोरोना का सिलसिला, फिर मिले 16 नए केस। दिल्ली में शराब के बाद अब तेल भी महंगा, पेट्रोल पर एक, डीजल पर 7 रुपए वैट बढ़ा। 70% महंगी हुई शराब, लाइन में लगा शख्स बोला ये देश के लिए दान। तो आइए एक नजर डालते हैं 5 मई की तमाम खबरों पर। हंदवाड़ा की आतंकी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द सामने आया। पीएम ने कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है तब भी कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और फर्जी वीडियोस की वजह से अन्य घातक वायरस फैला रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला किया। मंगलवार से दिल्ली में अब पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए महंगा हो गया। लॉकडाउन 3 की शुरुआत प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के साथ हुई। लंबे समय से की जा रही मांग को जब माना गया तो अपने घर से दूर फंसे लाखों मजदूरों को वापस अपने घर जाना नसीब हुआ, लेकिन इस बीच किराए को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुश्किल संकट में केंद्र सरकार मजदूरों से पैसा वसूल रही है। पाकिस्तान की पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि अगर उन्हें पेशकश की जाती है तो उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनने में कोई परेशानी नहीं और वो ज्यादा आक्रामक तेज गेंदबाज तैयार कर सकते हैं। अख्तर ने ये इच्छा सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ऐप हेलो पर इंटरव्यू में जताई। जम्मू कश्मीर पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर खतरनाक संकेत दे रहा है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती सिस्टम हरियाणा और आसपास के भागों पर भी है। इसकी वजह से उत्तर भारत में मौसमी गतिविधियां लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों को ठीक करने वाले हॉस्पिटल जिम्स के स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठ गए हैं। स्टाफ ने घटिया क्वालिटी की पीपीई किट देने का आरोप लगाया, साथ ही स्वास्थ्य बीमा, सभी स्वास्थ्य कर्मियों की जांच और आउटसोर्स नर्स को परमानेंट करने की मांग की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार ट्रंप प्रशासन की एक आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जून में हर दिन 2 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं और 1 लाख लोगों की मौत हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पहले दिन शराब की दुकानें खुली जब वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देर रात दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन लगता है कि शराब पीने वालों पर इसका कोई असर नहीं है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 1129 मजदूरों का जत्था लेकर विशेष ट्रेन सोमवार शाम देवघर के जसीडी स्टेशन पहुंचा। इन सभी मजदूरों से रेल का किराया लिया गया था। घर लौटे इन मजदूरों और कामगारों का कहना है कि एक एक मजदूर से 875 रुपए बतौर भाड़ा वसूल किया गया। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। चीन में मंगलवार को कोरोना वायरस के 16 नए केस सामने आया। अब चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 82,881 हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 46,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 46,433 है, जिनमें 12,728 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 1,568 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका ने एक आंतरिक रिपोर्ट में चीन की सरकार को चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमेरिका के साथ संबंध काफी खराब हो गए हैं और इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ चीन को सैन्य टकराव से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना लॉकडाउन में विदेशों में फंसे सभी भारतीयों की केंद्र सरकार सुरक्षित घर वापसी कराने जा रही है। नेपाल, कतर, मलेशिया और सऊदी अरब समेत कई देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 7 मई के बाद विशेष चार्टर्ड विमान भेजे जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई है। भारतीय स्टेट बैंक आम लोगों के लिए खास स्कीम लेकर आया है। इस लोन के लिए सारी प्रक्रिया 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। अधिकतम आपको 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। भारत में सोने को लेकर हमेशा से ही आकर्षण रहा है, लेकिन इस साल अप्रैल में पिछले साल के मुकाबले सोने के आयात में 99.9% की कमी आई है। भारत में सिर्फ 50 किलोग्राम सोना ही आयात किया जाता है। ये पिछले 3 दशक में सोने के आयात का न्यूनतम स्तर है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर निशाना बनाया। आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। इस दौरान CRPF की 181वीं बटालियन का एक जवान और 4 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। JEE मेन की परीक्षा 19 से 23 जुलाई के बीच विभिन्न सत्र में आयोजित होगी, जबकि मेडिकल परीक्षा नीट 26 जुलाई को होगी। CBSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड की तारीखें इस हफ्ते जारी की जा सकती है।
लॉकडाउन में 42 दिन से मेट्रो बंद है, सामान्य आवाजाही के लिए बसें बंद है। केंद्र सरकार ने मेट्रो और बसों को शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। संभावना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गाइडलाइन के आधार पर यूपी में मेट्रो शुरू कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में शराब आज से 70% तक महंगी हो गई है, इसके बावजूद दुकानों पर भीड़ दिखी। एक शख्स बोला, ये पैसा सरकार को हमारी तरफ से दान। दूसरी दुकान पर एक शख्स शराब की दुकान में लाइन में खड़े लोगों पर फूल बरसा रहा था। इसराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि उनके देश में कोरोना वायरस का टीका बनाया। उन्होंने कहा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना के एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की। हमने बनाया कोरोना वायरस को खत्म करने का वैक्सीन। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।